हाय व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडीज कार्डिगन में लेडीज जैकेट में जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में इसे आप शॉल में मफरल में कैप में भी अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो टेन के मल्टीपल से होंगे प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा रखना होगा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और ये जो डिज़ाइन है टोटल ट्वेल्व रॉ का डिज़ाइन है तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने थर्टी वन फंदे लिए हैं थर्टी फंदे टेन के मल्टीपल्स लिए हैं प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और नीचे से बेस देने के लिए टूरो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाली है तो चलिए बनाते हैं ये देखिए ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है स्टिच स्लिप करेंगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे वन टू धागा आगे चाय डालेंगे एक फंदा सीधा फिर से चाय डालेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बनाए दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा उल्टा फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाया और फिर दो फंदे सीधे बनाए चाय डाली एक फंदा सीधा चाय डाली ये हमारा टेन फंदों का पैटर्न है ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर जाई डालेंगे सॉरी दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू जय डालेंगे एक फंदा सीधा जय डालेंगे फिर से दो फंदे सीधे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे वन, टू, सीधा बुन लेंगे ये देखिए हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है सेकंड रॉ रौ है रॉन्ग साइड इस रॉ में हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे जाली वाले फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा धागा आगे अब नाइन फंदे उल्टे वन टू थ्री जाली वाला फंदा उल्टा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक फंदा सीधा फिर से नाइन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक फंदा सीधा धागा आगे, लास्ट में तीन फंदे उल्टे ए स्टिच उल्टा बुन लेंगे सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई है थर्ड रॉ है राइट साइड ए स्टिच स्लिप कर लेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे टू, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा अब देखिए जाई डालेंगे ये सेंटर के तीन फंदे सीधे बुन लेंगे वन टू थ्री जाई डालेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना फिर दो फंदों का एक, एक फंदा एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा चाय डाली तीन फंदे सीधे चाय डाली फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे फिर दो फंदे स्लिप करेंगे लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा चाई डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री जाई डालेंगे एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे रो फाइव राइट साइड ए स्टिच स्लिप करेंगे अब देखिए यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाय डालेंगे सेंटर के फाइव फंदे सीधे बुन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव जाई डालेंगे यहाँ से यहां तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा बनाया जाई डाली फाइव फंदे सीधे जाई डाली फिर से पैटर्न पीट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव फिर से जाई डालेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एस स्टिच सीधा बुल लेंगे ये देखिए सिक्स रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से यही सिक्स रॉ रिपीट करेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे अब ये वाला पैटर्न यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर आएगा तो देखिए हमारी सिक्स रॉ में जो फंदे हैं वो सिक्स फंदे डिक्रीज होंगे ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले थर्टी वन फंदे थे अब ट्वेंटी फाइव फंदे रह गए हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अब देखिए जो फंदे हमारे सिक्स डिक्रीज हुए हैं वो नेक्स्ट इसकी सिक्स रॉ में फिर से इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं वो ये वाले पैटर्न में डिक्रीज होते हैं अब ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनेगा और ये देखिए ये वाला यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर फिर से हमारे फंदे जो सिक्स डिक्रीज हुए हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे रॉ सेवन राइट साइड ए स्टिच स्लिप कर लेंगे अब देखिए यहाँ से एक फंदा सीधा बुन लेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे जाई डालेंगे ये उल्टा फंदा इसको सेंटर का फंदा रखेंगे सीधा बना लेंगे फिर से जाई डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टू फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे ये सेंटर का फंदा है इसे उल्टा बना लेंगे धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने जाई डाली एक ये देखिए जाई डाली एक फंदा सीधा बुना जाई डाली फिर दो फंदे सीधे बनाए दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे बुने फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे जाई डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे जाई डालेंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे अब देखिए लास्ट में जई डालेंगे एक फंदा सीधा जय डालेंगे लास्ट के दो फंदे सीधे रो नाइन राइट साइड अब देखिए ए स्टिच स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे जाई डालेंगे और तीन फंदे सीधे वन टू थ्री जाई डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया इसमें हमने जाई डाली तीन फंदे सीधे बनाए जाई डाली एक फंदा सीधा दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा बनाया फिर से जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री जाई डालेंगे एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर से जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री जाई डालेंगे लास्ट में दो फंदे सीधे एस्टिच स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे जाई डालेंगे फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव जाई डालेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां से यहां तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया इसमें हमने जाई डाली फाइव फंदे सीधे बनाए जाई डाली दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर से जाई डालेंगे फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव जाई डालेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव जाए डालेंगे लास्ट के दो फंदे सीधे ये देखिए फ्रेंड रो ट्वेल्व कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारी सिक्स रॉ के बाद इसके ट्वेंटी फाइव फंदे रह गए थे सिक्स फंदे डिक्रीज हो गए थे जो कि हमारी नेक्स्ट सिक्स रॉ में फिर से कंप्लीट हो गए हैं ये देखिए काउंट करके दिखाते हैं ये देखिए टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोरटीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी वन ये देखिए फिर से हमारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं एक बार सिक्स रो में हमारे फंदे इसके कम होंगे सिक्स फंदे डिक्रीज़ होंगे और नेक्स्ट सिक्स रो में इसके फंदे फिर से कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे ही हमारा पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा तो देखिए इसकी फर्स्ट रो राइट साइड कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे ये सेंटर का फंदा है उल्टा बना लेंगे धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे जाई डालेंगे ये देखिए एक फंदा सीधा जाई डालेंगे यहां से यहां तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया इसमें हमने दो फंदे सीधे बनाए दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे वन टू आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे जाइडा लेंगे एक फंदा सीधा जाइडा लेंगे दो फंदे सीधे फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे सेंट का एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे ए स्टिच सीधा बुन लेंगे ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार बार हम इसकी वन टू ट्वेल्व रो रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये देखिए ये देखिए फ्रेंड बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडीज़ कार्डिगन में लेडीज जैकेट में जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं इसे आप मफरल में या कैप में इसे आप शॉल में भी अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो